आपकी एक पोती या दो इतनी जो वहां मेरे पास रहती थी, सीएलसी पढ़ती थी, तो क्या कभी रात को आप नींद उड़ी कि मेरी पोती या मेरी? मैं से शोक पता कि बड़ी सुशिक्षित हैं, अच्छी जगह है और अच्छा उनका व्यवहार है और जो पढ़ रही है वो अच्छा ही पढ़ेगी। आप क्या कहना चाहते हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीएलसी में बच्ची सुशिक्षित हैं और पढ़ाई अच्छी होती है, वहीं पर पढ़ाना चाहिए। इसीलिए मैंने मेरे परिवार को, मेरे जितने प्रेमियों को, सभी को ये कहता हूँ कि आप सीएलसी में। परसेंटेज की धारणा भी वहां खत्म हो जाती है और कई बच्चे केवल 11 स्कूल से पढ़ लेते हैं, वो सोचते हैं 11 तुम्हारा थोड़ा लूज हो गया, पर आपने वर्षा ने उस धारणा को भी तोड़ा। तो मैं चाहता हूं वर्षा, अरे सारे बच्चे हॉस्टल में रहे हुए, ये सारे के सारे बच्चे हॉस्टल में पले हैं, तो वर्षा प्लीज बेटा मैं चाहूंगा एक बहुत अच्छी सी बात, एक वो रास्ता दिखाएं अपने जूनियर्स को जो आपके, और बहुत से ऐसे भी होंगे आपके साथी भी ऐसे होंगे जो अभी तैयारी नीट की कर रहे होंगे, उनकी हौसला अफजाई भी करना, कि आप तो भी 12th या पार कर लेंगे अपने, पर कईयों को नीट में कई बार 2-3 साल लग जाते हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार मेरी बेटी वर्षा ताली बजाते हुए प्लीज बेटा अपनी बात रखा। मैं सीएलसी के अंदर मई के अंदर गई थी, तो मेरा एडमिशन भी नीट का जिस दिन पेपर था उसी दिन हुआ था, तो उस दिन तो बॉस थे नहीं, फिर उसके बाद जब हम गए थे तब मिले थे, एंड देन फिर मेरा 11th नहीं था बट 12th था, तो मैंने जब 12th के क्लासेस चल रहे थे तो फिर उसके माइनर्स होते थे वो मैंने दिए, और मेजर के अंदर जैसे होते थे तो 12th के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर रहता था बट 11th में थोड़ा डिप कर जाता था। उसके बाद में जब हमारे और सब्जेक्ट्स स्टार्ट हुए, जैसे जो सब्जेक्ट्स टॉपिक्स ऐसे थे कि जो 11th से रिलेटेड होते हैं और जो मेरे नहीं पढ़े हुए थे, तो उसके लिए फिर मैंने बॉस को बोला, तो उन्होंने उसके लिए मेरे अलग से क्लासेस भी लगवाए थे, और फिर इसी वजह से मेरे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ था 11th के अंदर। एंड देन बाद में हमारा मिड सेशन DTS हो गया था, क्योंकि नवंबर के अंदर पहले तो KVPY का एग्ज़ाम हुआ था, तब भी उसमें सिलेक्शन ही हुआ था, रैंक अच्छी नहीं थी इतनी, और क्योंकि 11th थोड़ा वीक था। उसके बाद में मिड सेशन में काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो गया था, क्योंकि तब तक मेरे सारे 11th सारा कवर हो गया था। उसके बाद में हमारे फैब के अंदर प्रैक्टिकल्स चलते थे, तो हम वो तो मैंने ऐसे दिए ही नहीं थे। उसके बाद में भी हम लोग ऐसे बायोकेम DTS चलती थी, तो हम वही देते थे, और जो बोर्ड की DTS थे वो तो हमें बहुत ज़बरदस्ती दिलवाते थे। एंड उसके बाद में भी हमें बोर्ड के लिए इतना कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए क्लासेस होती हैं आपकी प्रॉपर दिसंबर से हिंदी और इंग्लिश की, और आपके आराम से कवर हो जाता है। एंड जो टीचर्स हैं वहाँ के हिंदी और इंग्लिश के, वो बहुत अच्छे हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, इवन स्कूल से भी आपको ईजीली वहाँ पढ़ने को मिलता है। एंड स्कोरिंग तो हमारे बैच के काफ़ी अच्छी गई थी। एंड देन फिर नीट था, तो नीट के अंदर भी ऐसा अच्छा गया था। उसके बाद में जब मेरा केमिस्ट्री वीक रह गया था, तो उसके बाद में एम्स के लिए बॉस ने फिर केमिस्ट्री के अलग से क्लासेस भी लगवाए थे, एंड देन फिर एम्स था, तो उसका रिजल्ट आने के बाद हम घर आ गए थे। आपके समय नीट और एम्स दोनों अलग अलग एग्जाम होते थे ना? हाँ। और कोई मैसेज आप क्या देना चाहते हैं अपने जो तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चा नीट 21 को क्रैक करना चाहता है? नीट को क्रैक करने का फर्स्ट तो उसके जो होती है स्पीड होती है, एंड एक्यूरेसी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। दूसरा ये है कि बस आपको ट्रस्ट करके रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना होता, क्योंकि अगर आप वहाँ सोचने लगोगे तो फिर डिप करता है रिज़ल्ट। एंड सेकेंडली अब तो एक ही एग्ज़ाम होती है, तो एम्स का तो कोई इशू भी नहीं है, बाकी तो ट्रस्ट करना होता है आपको। हॉस्टल कौन से हॉस्टल थे आप? क्लाम सेकेंड। आप हॉस्टल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अक्सर जो गार्जियंस को एक भय रहता है विशेष बेटियों को लेके घर से बाहर छोड़ेंगे, तो आप जब हॉस्टल में रहे तो क्या आपको फील हुआ ऐसा कि आप घर से बाहर रह रहे हैं? हम हॉस्टल में रहते ही नहीं थे, हम कैंप में रहते थे। क्या बात, ये कैंप एक सीएलसी का ब्रह्मास्त्र है, कैंप में क्या वहीं बच्चे पढ़ते हैं।